हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, क्योंकि सुबह का टाइम है, संडे का दिन ही है। तो यहाँ पे सुबह सुबह चाय और मूली का पराठा बन रहा था हमारे घर में, तो यहाँ पे मैं मूली खीस रही हूँ और उसके बाद पराठा बनेगा। पराठा मेरी बहन बनाएंगी और मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ में व्लॉग में रेसिपी भी शेयर करती जाऊँ, ताकि आप लोगों को कुछ आइडिया मिले कि कैसे बनाना है अगर जिनको नहीं आता। और यहाँ पे फिर मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर दिया था थोड़ा बहुत, तो वो पानी छोड़ दिया था, वो अच्छा नहीं है। इससे अच्छा कि हम वो घिस ले तो वो ज़्यादा बेटर है। और इस बार दीदी ने, मेरी मेरी सिस्टर ने ट्राई किया था कि वो ऐसे हम स्टफिंग करके बनाते थे पराठा, पर इस बार हमने आटे के साथ में गूंदा था, तो वो मुझे इतना पसंद नहीं आया टेस्ट उसका। वो जो स्टफिंग वाला होता है वो ज़्यादा टेस्टी होता है। तो यहाँ पे पराठा बन रहा है सुबह के टाइम पे, और फिर हम चाय के साथ में पराठा खाने वाले थे, खाने वाले थे नहीं मतलब खाए हैं, क्योंकि ये मैं वॉइस ओवर तो बहुत दिन बात कर रही हूँ। यहाँ पे चाय और पराठा हमारा रेडी हो रहा है, चाय बन चुका था, पराठा बाकी है। तो सुबह सुबह सबके घर में यही होता है, कुछ ऐसे ही होता है ना। आप लोग क्या करते गाइस, प्लीज़? आप लोग चाय, बहुत से लोग चाय नहीं पसंद करते पर बहुत से लोग पसंद करते, तो गाइस आप लोग कैसे क्या करते प्लीज़ मुझे कमेंट करना। वो स्टफिंग वाला पराठा था ना, बहुत टेस्टी होता है गाइस, बहुत ज़्यादा। और ये मेरा चाय पराठा रेडी, जो कि मेरा मॉर्निंग का नाश्ता था ये। और गाइस मेरे बहुत सारे ब्लॉग आने वाले हैं शादियों से रिलेटेड, मतलब मेरी शादी नहीं, भाइयों की शादी के, और बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे। अगर शादी होती तो पता है शॉपिंग भी होती है नॉर्मली। और मैं कुछ पहले की कुछ अपनी मेमोरीज़, मतलब कि आप लोगों तक शेयर करने वाली हूँ। और एक ब्लॉग रेडी है ऑलरेडी, उसे अपलोड करना बाकी है, तो वो भी बहुत जल्दी आएगा। और गाइस यहाँ पे मैं संडे के दिन जैसे कि फ्री रहती हूँ तो मैं मेकअप कर रही थी। यहाँ पे मैं पूरा फुल लुक नहीं दे रही हूँ वीडियो में, ब्लॉग में, क्योंकि आपको अगर देखना है तो आपको मेरे वीडियोस चेक करने पड़ेंगे। वहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये वीडियो, मैंने बहुत आई थिंक संडे के दिन या फिर मंडे को भी मैंने ये अपलोड किया था। तो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ चेकआउट, ये मैंने क्यों मेकअप किया है, कैसा मेकअप है, आपको वहाँ पर ही देखने को मिलेगा। और प्लीज़ गाइस अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फटाफट 1000 सब्सक्राइबर कर दीजिए, ताकि मेरी भी एक बड़ी सी फैमिली हो अच्छी सी यूट्यूब की। प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं एक नई यूट्यूबर हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत से लोग देखते हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ गाइस अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ में शेयर कीजिए, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ आप शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं शाम के टाइम पे बाहर गई थी, तो मैंने थोड़ा सा अपना फ़ोटो वोटो खींच लिया था, और ये ऑफिस जाते समय मैंने रिकॉर्ड किया था, क्योंकि एक यादें होती है जो आज है कल नहीं है, कल को मैं कहाँ जाऊँ, कौन से ऑफिस ज्वाइन करूँ तो मुझे नहीं पता, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। और ये खाना खाते समय उस दिन का मैंने रिकॉर्डिंग किया था कि मैं क्या क्या लेके आई, क्या क्या खा रही। मैं यहाँ पे मैं खिचड़ी और थेपला और भाजी और पराठा था जो कि मैं खाने में खा रही थी। फिर दूसरे दिन मैं शाम को थाना मार्केट गई थी, तो मैंने वहाँ का रिकॉर्डिंग किया था, और थाना मार्केट से रिलेटेड मैंने वीडियो डाला है ऑलरेडी, तो प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा तो वो भी जाकर चेक कीजिए। मैं अच्छे अच्छे वीडियोस डाल रही, बहुत सारे वीडियोस डाल रही मैंने अभी रिसेंट में, तो वो भी चेक कीजिए। और गाइस शॉर्ट्स वीडियो इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे डाले गुड मैंने। इवनिंग टू ऑल। और शाम का समय हो गया है, आज ट्यूसडे है, मैं घर पे ही हूँ, आज मैं ऑफिस नहीं गई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। अभी फिर से लग रहा होगा कि कुछ नहीं हुआ है मुझे, पर मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मतलब कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है मुझे, इतना टाइम तक मैं बैठ नहीं पाऊँगी ऑफिस में, तो इसकी वजह से मैं नहीं गई। और क्योंकि मेरे कमर में दर्द था, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट, ये पी लो। मैं इसको अपने सर पे बोल रही हूँ, अपने कमर पे रख के सोई थी, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी, बहुत दर्द हो रहा था कमर में, इसको रख के सोई थी मैं। बहुत बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, अभी भी हो रहा है, दर्द है, दर्द नहीं जा रहा है शायद आज, मतलब कि कल से ही दर्द था। कल तो मैं ऑफिस में थी, क्योंकि काम के लिए रोज़ रोज़ छुट्टी नहीं किया जा सकता। आज मैं थोड़ा सा मतलब कि अभी भी दर्द है, बहुत है, पर थोड़ा कम है अभी, जैसे कि मैं थोड़ा बहुत बैठ पाई हूँ, नहीं तो फिर मुझे बैठने को भी नहीं हो रहा था पूरा दिन। मैं कल से लेटी रहती थी सिर्फ, मतलब कि सिर्फ
मतलब कि मैंने सिर्फ अभी सुबह सुबह भी नहीं, दोपहर में 2-3 बजे नहाई हूँ और अभी कुछ खा पी के और अभी ये किसी का लड्डू, जो कि मुझे बहुत पसंद है किसी का लड्डू। और ये कमर के लिए वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद होता है, बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही बेनिफिट होता है मतलब कि इसे खाने से अपने हेल्थ के लिए। तो ये पापा के लिए बनाया था मम्मी ने, पर इसे मैं भी बहुत खाती हूँ, ये पापा के लिए है, लेकिन इसको वैसे तो सब खाते हैं पर इसे मेरे घर में सब नहीं पसंद करते, जैसे कि बहन नहीं खाती है, मैं और पापा खाते हैं और ये मेरा फेवरेट है, जो बहुत पसंद है ये। और मैंने आज कोई ब्लॉग नहीं बनाया, कोई मतलब ब्लॉग तो बना रही हूँ पर आज छुट्टी था, जैसे कि मैंने छुट्टी किया था चाहती तो मैं वीडियो बना सकती थी, पर मेरी कंडीशन नहीं थी कि मैं वीडियो बनाऊँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक वीडियो आज अपलोड किया है मैंने, बाकी कुछ नहीं किया है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, घर के कोई काम नहीं किए और मतलब बहुत ज़्यादा पेन था मुझे। ये सोचो ना आप, मैं ये पीलो अपने कमर के नीचे रख के सोई थी पूरा दिन, आज भी पूरा दिन मैं सोई रही, मैंने कुछ काम नहीं किया, सारा काम मम्मी और बहन करके गई ऑफ़िस, बहन ऑफिस गई तो करके गई है, मम्मी की तबीयत नहीं ठीक है, मम्मी अभी भी लेटी हुई है मम्मी, लेकिन दोपहर में मम्मी ने सारे काम किए, सारे मतलब सारे। और अभी शाम का समय हो गया है, देखते अभी क्या करना है कैसे, मतलब कि अभी चाय बनाने का मम्मी बोली कि चाय बना दो एटलीस्ट थोड़ा सा, क्योंकि सारे काम मम्मी किए, वैसे तो हम करके जाते हैं रोज़ सुबह फिर जाने से पहले पूरे काम करके जाते हैं, पर आज मैं घर पे ही थी, बहन से जितना मतलब कि वो ही सारे काम करती है, मुझसे ज़्यादा काम वो करती है, छोटी बहन होने का यही फ़ायदा होता है छोटी बहन होने का यही फ़ायदा होता है कि बड़ी बहन सब कर दी है। और सच ये सच है, मैं बहुत मतलब कि लक्की हूँ ये बोल सकती हूँ, क्योंकि मुझे इतना सभी कुछ होता है तो वो सब करती है मेरे लिए सब, मतलब जैसे कि कल भी उसने मेरी बहुत मदद की, मुझे दवा ला के देना, मतलब कि और भी बहुत कुछ किए पर ऑन कैमरा बता नहीं सकती मैं, सब करती है वो मेरे लिए और हमेशा करती है। मुझे खाने मतलब मुझे इतना सभी कुछ हो गया ना, खाना लेके आना, दवा देना, मेरे हाथ पर दबाना, इतना तक होता है मेरी सेवा में, सब होता है मेरे लिए। और एक छोटी बहन होने का यही फ़ायदा है, सच्ची में फ़ायदा है, अगर आपके घर में होंगी तो आपको भी पता होगा कि बड़ी बहन कितनी इम्पोर्टेंट, मतलब एक माँ की तरह होती है, आपका टेक केयर करती है बड़ी छोटी बहन का, तो वैसी मेरी बहन भी है, पूरा काम मतलब करके जाना मुझे सुबह, मतलब सब कुछ करती है। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसी दो बहनें मिली हैं जिन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। और अभी मेरे तीसी का लड्डू है जो कि इंजॉय करके खाती हूँ, और आप लोग खाते हैं कि नहीं, आप लोगों को पसंद है, आपके घर में बनता है कि नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट करना। तीसी मतलब कि फ्लैक्स सीड, हमारे यहाँ इसको तीसी बोलते हैं, पर इससे इंग्लिश में फ्लैक्स सीड बोलते हैं। मैं इसको ऑफ कैमरा दिखाती हूँ ये दिखता कैसे, इसके लड्डू बहुत बेनिफिशियल होते हैं कमर के लिए, हड्डी के लिए, और जिनके घर में ये जो लेडी प्रेग्नेंट होती है उनको ये खिलाया जाता है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि बस उनके लिए होता है ये, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ है तो आप खा सकते हैं क्योंकि बहुत फ़ायदेमंद होता है ये लड्डू। मैंने सोचा था कि मैं अपने हेयर कट करूँगी, पिछले दो साल से मैं अपने हेयर कट खुद करती हूँ, तो मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, पर नहीं हुआ, आज तो नहीं हुआ क्योंकि मेरी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं, अभी मैं बैठ पा रही हूँ तो मैं बैठ भी नहीं पा रही थी, मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। और ये देख सकती है वॉल खाली की खाली है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कब करूँगी मुझे भी नहीं पता गाइस, मतलब मुझे करने की इच्छा बहुत है पर कब करूँगी नहीं पता। और मेरे आईब्रो कितने अच्छे लग रहे, मुझे बहुत पसंद है ये अपने आईब्रोज, यहाँ पे छोटा सा पिंपल्स आ गया है, बाकी की मतलब अभी क्या बनाऊँगी, 5 मिनट मैंने आप लोगों का ले लिया, अभी मैं बनाने जाती हूँ चाय, आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए मेरे घर, तो बाय। ये है तीसी का लड्डू, और इतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो रहा है, ये तीसी का लड्डू है जो कि बहुत टेस्टी होता है, बहुत मतलब बहुत, इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स, गुड़, हल्दी सब होते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है जो कि बहुत बेनिफिशियल होता है हेल्थ के लिए।
ये है मेरा छोटा सा किचन, और शाम को मैं चाय बनाने आई थी और तभी का ये व्यू है। ये है चाय पत्ती। मैंने पहले वाले वीडियो में गलती से क्या बोल दिया था, हाँ कि मैं ऑफ कैमरा किसी का लड्डू दिखाऊंगी, तो मेरे से मिस्टेक हो गई। मैं ऑफ कैमरा नहीं बल्कि ऑन कैमरा ही, मतलब ऑन कैमरा मतलब मैं कैमरा टर्न करके दिखाने वाली थी, बट गलती से मेरे मुँह से निकल गया था कि मैं ऑफ कैमरा दिखा रही हूँ। और यहाँ पे मैं अभी शाम की चाय बना रही हूँ, मैं जब भी आपसे बात कर रही थी, ये पूरा बाद में डालूँगी वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं शाम की चाय बना रही थी, मैं आपसे बात कर रही थी करीबन 6:45 बजे, और अभी आज 7:15। ये एक चम्मच चाय पत्ती, अदरक मैंने खून के डाल दिया, रुको मैं आपको दिखाती हूँ अभी चाय पत्ती। ये है मेरा छोटा सा किचन, मुझे सामान नहीं मिल रहा, काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ गाइस, तो आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल हो जाता है, मतलब कि किचन में सामान नहीं मिलते। अभी मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आप लोगों को, ये मेरी अंधेरा आ रहा है थोड़ा सा, मेरे को एक मिनट। चाय बनाने का टाइम था जो कि 7:45 बज गए। यहाँ पे मेरी चाय पत्ती अदरक मैंने कूट के डाल दी है, बहुत दिन बाद चाय बना रही हूँ मैं। और ये है मेरी काली मिर्च, क्या बोलते हैं हम, ब्लैक पेपर, क्योंकि मैं यहाँ पे काला चाय बना रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मम्मी को मना किया है, पर मम्मी ज़िद करती है, उनको दूध वाली चाय चाहिए होती है, पर मैं यहाँ पे काला चाय बना रही हूँ। बैकग्राउंड में बहुत आवाज़ आ रहा होगा तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पे थोड़ा सा लिया क्वान्टिटी, सदा नहीं बना तीखी तीखी चाय लगेगी। और मेरे दांत देख सकते हैं, मैंने तीसरे का लड्डू खाया था ना तो अभी फंसा है वो, और मैंने बाल को कंघी बिल्कुल नहीं किया है, प्लीज़ इग्नोर दैट। ये है मेरा किचन पहला सा छोटा सा, और यहाँ पर गाइस अभी चाय बन, मतलब मैंने आप लोगों को कुछ दिख रहा है कि नहीं पता नहीं गाइस, चाय ऑलमोस्ट मतलब कि सब मिक्स कर दिया मैंने, बहुत दिन बाद चाय बना रही हूँ, बहुत दिन बाद मतलब शायद मैं बहुत दिन बाद बना रही हूँ। अभी मैं कैमरा टर्न कर देती चाय, हमारी चाय रखी गई है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ, कुछ दिख नहीं रहा है, क्लियरिटी अच्छी नहीं है मोबाइल की, तो आप समझ सकते हैं, वरना मैं अच्छे से दिखाती है, और इसमें मैं कुछ ऑन नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पे चाय रख दी है मैंने, ब्लैक चाय बना, मतलब ब्लैक चाय क्या होता है यार, ब्लैक टी बना रही, ब्लैक चाय बोल रही हूँ, काला चाय बना रही हूँ। और मम्मी अभी गई है बाहर, मेरी चाय बन रही है, मैं बोल रही थी कि 7:15 बजे। यहाँ पे मैंने बोला था कि काली चाय बनाई जा रही है, पर मम्मी नहीं मानी, मम्मी चाय ज़बरदस्ती दूध डलवा रही है इसमें। और अभी मैं यहाँ पे चाय रख चुकी हूँ जो कि अभी पक जाएगा कुछ देर बाद, फिर हम चाय पियेंगे, मतलब कि ज़बरदस्ती बोल के नहीं, मुझे चाय में दूध चाहिए, दूध वाली चाय चाहिए, काली चाय मैं नहीं पीऊँगी, तो उनकी ज़िद माननी पड़ रही है, आगे कुछ नहीं। तो यहाँ पे चाय देख सकते हैं, अभी भी मैंने डाला है दूध, तो अभी ये पकेगी तब तक के लिए थोड़ा सा, मतलब कैमरे में आपको सही से दिखाई नहीं देता होगा क्योंकि किचन में कैमरा जो लाइट है, जो लाइट से वो थोड़े मतलब उतने वॉट के नहीं है, तो इसके लिए मैंने चाय रख दी है, मम्मी आएंगे तो चाय पियेंगे, हम चाय रख दिया, बहन ऑफिस से आ गई है, मेरी तबियत थोड़ी थोड़ी सी तबियत ठीक हो गई है थोड़ी बहुत, अभी भी दर्द है, क्योंकि पूजा हो चुकी है, पता नहीं कि मैं अभी क्या बनाऊँगी नहीं बनाऊँगी, तो मैं सोच रही कि मैं इस वीडियो का एंड कर दूँ तो। और हाँ, मैंने बताया ना कि कैमरा वो ऑफ कैमरा नहीं, कैमरा टर्न करना था मुझे, पर मैंने गलती से ऐसा बोला कि मैं कैमरा ऑफ करके दिखाती हूँ, कैमरा ऑफ करके मैं कुछ नहीं दिखा सकती आप लोगों को, तो अभी हम चाय पियेंगे और मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर प्लीज़ गाइस आप लोगों को अच्छा लगे मेरा वीडियो, प्लीज़ मेरे वीडियो पर ढेर सारे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, प्लीज़ बेल आइकन दबाना भूलिएगा नहीं, आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आएगा,
और प्लीज़ अगर मेरे ब्लॉग्स मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप लोग अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर कीजिए। प्लीज़ मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, आप बहुत सपोर्ट कीजिए, मुझे आप लोगों की बहुत ज़रूरत है। तो अभी हम इस वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।